हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग जानते होंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग काइंड ऑफ लोग काम करते हैं और उस अलग अलग काइंड ऑफ लोग को संभालने के लिए एक मैनेजर की जरूरत होती है। तो मैनेजर जो है वो काम करता नहीं है, वो काम करवाता है। और काम वो क्यों करवाता है? जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट मतलब यहाँ पर मैनेजर है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अफेक्टिव का मतलब क्या है? टाइम पे काम कंप्लीट होना। और एफिशिएंट मतलब क्या है? मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम वेस्टेज। हर मैनेजर ये चाहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज से इस ढंग से काम करवाए कि वो सस्ते दाम पे भी काम कर दे और जो डेडलाइन है उस डेडलाइन पे वो काम हो जाए। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। पहले पेज में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तुम्हें मैनेजमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो मैनेजमेंट में प्रोसेस का मतलब है ऑल दी एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। ऑल दी एक्टिविटीज का मतलब क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मतलब उस गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस हो रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और उसे कहते हैं मैनेजमेंट में प्रोसेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन होती है उनकी। अब डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन होती है उनकी, तो हर किसी को संभालना जो है वो मुश्किल होता है। तो मैनेजर वो टास्क करता है और मैनेजर हर किसी को टास्क देता है और वो टास्क देकर काम को कंप्लीट करवाता है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करता है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? ऑल दी एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। अफेक्टिव का मतलब क्या है? टाइम पे काम कंप्लीट हो जाना। एफिशिएंट का मतलब क्या है? मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम वेस्टेज। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर मान लो तुम टाइम पे तो काम कंप्लीट कर रहे हो लेकिन तुम्हारी जो कॉस्टिंग आ रही है वो ज्यादा आ रही है, तो तुम प्रॉफिट नहीं कमाओगे, और जब प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो लॉस होगा, और जब लॉस होगा तो कंपनी जो है वो ढंग से रन नहीं कर पाएगी और कंपनी को बंद होना होगा। और अगर मान लो तुम टाइम पे काम कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम्हारी गुडविल और रेपुटेशन डाउन होगी, और जब रेपुटेशन डाउन होगी तो कोई तुम्हें कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, और जब तुम्हें कोई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा तो देन फिर होगा क्या? देन भी तुम्हारे लॉस होगा, और लॉस होगा और कंपनी बंद हो जाएगी। ओके, ये पहला पेज था, ठीक है। और पहले पेज के सेकंड पेज पे ये लिखा है कि अफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर दोनों का बैलेंस नहीं होगा तो चीजें जो है वो दिक्कत करेंगी, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को 5 में डिवाइड कर रखा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को 5 में डिवाइड कर रखा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को 5 में डिवाइड कर रखा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब होता है एक टारगेट होता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्लानिंग इज अ ट्रैप टू कैप्चर फ्यूचर। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है। जैसे इन फ्यूचर तुम्हारा 17th या 24th को बिजनेस स्टडीज का पेपर है। अब वो जो बिजनेस स्टडीज का पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स करने के लिए जो तुम प्लान कर रहे हो, प्लानिंग है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन होता है जिसमें हम चीजों को एलोकेट कर रहे होते हैं, काम को समझ रहे होते हैं, और उसके बाद अगर काम लैक कर रहा होता है तो हम स्टाफिंग कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अगर जब तुमने बिजनेस स्टडीज का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था तो तुम्हें पता था कि टीचर को दिखाना है बिजनेस स्टडीज की, और बिजनेस स्टडीज की टीचर जो एक्सटर्नल आएगा उसे दिखाएंगी। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें हम ग्रुप को डिवाइड करते हैं, मतलब काम को डिवाइड करते हैं, उसके बाद काम को बांटते हैं। काम को बांटने के बाद हर इंडिविजुअल काम को असाइन हो जाता है, हर डिपार्टमेंट में काम असाइन हो जाता है, और उसके बाद जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो उसे ये बता दिया जाता है कि भाई जब ये तेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो तुझे कहाँ शो करना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग। अगर तुम्हें लगता है कि लोगों की कमी है, जितना काम है उससे कम लोग हैं, तो तुम क्या करते हो? स्टाफिंग करते हो।
स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग. डायरेक्टिंग जो होता है, यहां से काम स्टार्ट होता है, मतलब यहां से लोग जो है वो काम एक्शन करना स्टार्ट करते हैं. तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, यहां से काम स्टार्ट होता है. तो डायरेक्टिंग इज लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू डू द स्पेसिफिक टास्क. प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. प्लानिंग इज अ ट्रैप टू कैप्चर फ्यूचर. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. ठीक है, स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. डायरेक्टिंग मीन्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू डू द स्पेसिफिक टास्क. उसके बाद आता है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स एंश्योरिंग दैट वर्क आर डन अकॉर्डिंग टू द प्लान. कंट्रोलिंग मीन्स एंश्योरिंग दैट वर्क आर डन अकॉर्डिंग टू द प्लान. कंट्रोलिंग मीन्स एंश्योरिंग दैट वर्क आर डन अकॉर्डिंग टू द प्लान. अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वो प्रोसेस कर रहा होता है, जिससे कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके. तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, क्योंकि मैनेजर खुद काम नहीं कर रहा होता, वो काम करवा रहा होता है. तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. उसके बाद अफेक्टिव का मतलब क्या है, टाइम पे काम कंप्लीट होना. अफेक्टिव का मतलब क्या है, टाइम पे काम कंप्लीट होना. अफेक्टिव का मतलब क्या है, टाइम पे काम कंप्लीट होना. एफिशिएंट का मतलब क्या है, मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम वेस्टेज. दोनों का बैलेंस होना चाहिए, अगर एक भी चीज बिगड़ी तो लॉस होगा. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग मीन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. प्लानिंग इज अ ट्रैप टू कैप्चर फ्यूचर. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. Staffing means finding the right person for the right job. Directing means leading, influencing and motivating the employee required to do the specific task. And controlling means ensuring that work are done according to the plan. Okay, abhi tak humne kya padha, management is the process of getting things done through others with the aim of achieving goal effectively and efficiently. Effective matlab time pe kaam complete hona, efficient matlab minimum cost and minimum wastage. उसके बाद दोनों का बैलेंस होना चाहिए. उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पांच होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. प्लानिंग मीन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. प्लानिंग इज अ ट्रैप टू कैप्चर फ्यूचर. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. Staffing means finding the right person for the right job. Directing means leading, influencing and motivating the employee required to do the specific task. Controlling means ensuring that work are done according to the plan. ठीक है, कभी भी तुम business studies के किसी भी definition में फंसो, ये याद रखना, for the achievement of goals effectively and efficiently. ये last में तो लगा ही देना. For the achievement of goals effectively and efficiently. For the achievement of goal effectively and efficiently. Planning क्या कर रहा है कि एक target set है, उस target set को achieve करना है. Organizing क्या कर रहा है कि चीजों को organized manner में करना है, जिससे कि कोई dispute arise ना हो. Administration में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको smoothly पता हो कि जब उनका काम complete हो जाएगा तो उसे दिखाना कहाँ है. Staffing मतलब होता है कि अगर किसी लोगों की कमी हो रही है तो उसे hire करो, नए लोगों को आओ लाओ, जिससे कि वो position fill हो जाए और काम जो है वो effectively and efficiently हो पाए. डायरेक्टिंग का मतलब है कि अब काम स्टार्ट हो रहा है और मैनेजर गाइड कर रहा है या सुपरवाइजर गाइड कर रहा है कि वो सामने वाला बंदा जो है वो ढंग से काम करे. फिर कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि वर्क जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान चले. ओके, थैंक यू फॉर पार्ट 1.